हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन टॉपसी टर्वी लैंड यूनिट 7। इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू वर्ड्स, टॉपसी टर्वी, अपसाइड डाउन। टॉपसी टर्वी की मीनिंग है अपसाइड डाउन। प्लेजर की मीनिंग है फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट। ग्रांट यानी बिग या ग्रेट फन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टॉपसी टर्वी लैंड में जो बच्चे हैं वो कब स्कूल जाते हैं। तो आपने पोएम में देखा ही था, तो जो बच्चे हैं वो रात को स्कूल जाते हैं। तो आपका आंसर है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन द टॉपसी टर्वी लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। तो इस जो एक सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पोएम में जो बसेस है वो ट्रेवल करती है सी में, देन जो बोट्स है वो कहाँ ट्रेवल करती हैं। ओके, ये हमको बताना है क्वेश्चन। एंड हाउ शुड इट राइटली बी, तो ये किस तरीके से सही होना चाहिए ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर आप लिखोगे, आंसर इज बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट इन द टॉपसी टर्वी लैंड। और जो सही होना चाहिए, हाउ शुड इट राइटली बी, यानी जो बसेज है, बसेज शुड रन ऑन रोड एंड बोट्स ऑन द सी। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बसेस को कहाँ चलनी चाहिए और बोट्स को कहाँ चलनी चाहिए। सेकेंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड इट राइटली बी, तो बसेस को चलना चाहिए रोड पे और बोट को चलना चाहिए सी में। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लैंड, लेट्स ड्रॉ अ कंपेरिजन बाय फीलिंग इन सेंटेंस वेन एवर नीडेड। ओके, यहाँ पे नीचे आप कॉलम देख सकते हो, आपको टॉपसी टर्वी लैंड की साइड एक दी गई, एक हमारी जो लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि देख लेते हैं हम। तो आप फर्स्ट देखोगे टॉपसी टर्वी लैंड में जो फर्स्ट है, पीपल वॉक ऑन देयर हेड। तो जो टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल, वहाँ के जो लोग हैं अपने सर के बल चलते। तो हमारे लैंड में क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, पीपल वॉक ऑन देयर फीट। ओके, तो हमारे यहाँ जो हमारी ज़मीन पे लोग अपने पैरों से चलते हैं। सेकेंड देखिए, अवर लैंड में देखिए, सेकेंड में द बसेज रन ऑन लैंड, जो हमारे यहाँ जो बसेज चलती हैं वो ज़मीन पर चलती हैं। लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होगी, द बसेज रन ऑन द सी। ओके, तो टॉपसी टर्वी लैंड में जो बसेज है वो कहाँ चलती है, सी में, समुद्र में चलती हैं। नाउ थर्ड, इन टॉपसी टर्वी लैंड द दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट। टॉपसी टर्वी लैंड में वहाँ के जो लोग हैं टोपियाँ कहाँ पहनते हैं, अपने पैरों में। बट हमारे यहाँ हमारे लैंड पे जो टोपियाँ हैं, दे वेयर देयर हैट्स ऑन द हेड। हमारे लैंड में जो हैट्स है वो हमारे सिर पे ही पहनी जाती है। ओके, फोर्थ वन देखिए, अवर लैंड में बोट सेल इन द सी, जो बोट्स है वो कहाँ चलती हैं, हमारे यहाँ तो समुद्र में चलती हैं। बट टॉपसी टर्वी लैंड में जो बोट्स हैं वो कहाँ चलती हैं, स्ट्रीट में। ओके, तो आप आंसर लिखोगे, बोट्स सेल इन द स्ट्रीट। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। तो टॉपसी टर्वी लैंड में जो वहाँ के लोग हैं वो उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो उनको कभी नहीं मिलता। ओके, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम उसी चीज़ के लिए पे करते हैं जो हमने मिली है। तो आपका आंसर होगा पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। ओके, नेक्स्ट लेट्स लिसन फोन विद साउंड। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वेयर, ट्रेयर, स्टेयर, वेयर, प्लांट, कैंड, स्कैन, स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली एंड कर्ली वर्ली। तो ये बस आपको सुनना था, इसका प्रोनंसिएशन करना है आपको, प्रैक्टिस करिएगा। लेट्स टॉक, द वर्ड इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हियर। तो आपको जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं वो कैसे जम्बल्ड है, इधर उधर हैं। ओके, तो रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इन्हें रीअरेंज करना है वर्ड्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका बहुत ही अच्छा अर्थ निकलता हो,
वर्ड दैट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, और जो कैपिटल लेटर होगा, जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा, वो कैपिटल लेटर में आप लिखोगे. ओके, तो फर्स्ट वन देखिए, रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल. तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, रेनू इज अ नॉटी गर्ल. ओके, रेनू इज अ नॉटी गर्ल. ओके, क्लियर हो गया. सेकेंड देखिए, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, उसका रूम हमेशा कैसा होता है, अनटाइडी होता है. तो हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी. ओके, थर्ड देखिए, मदर हर एडवाइज इज हर क्लीन टू इट, उसकी मदर एडवाइस करती क्लीन होने के लिए, बट यहाँ पे देखिए, हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट. ओके, फोर्थ, नेवर लिसन सी हर मदर टू, वो अपनी मदर की नहीं सुनती है, कभी नहीं सुनती है, सी नेवर लिसन टू हर मदर. ओके, फिफ्थ वन देखिए, काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर, आपका आंसर होगा व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज अ डिसऑर्डर. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके घर में कभी ऐसी कोई चीज हुई है, कोई सामान ऐसा उलट पुलट हुआ है, डिसऑर्डर में है, तो इसका आंसर आप लिखोगे यस, थिंग्स गो टॉपसी टर्वी व्हेन वी हैव अ फंक्शन एट होम एंड वी पुट थिंग्स एनी वेयर टू मेक स्पेस. ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, जब घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तब सामान क्या होती है, इधर उधर रख दी जाती है, इधर उधर हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फाइव थिंग दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. तो आप घर पे ऐसी कौन सी पांच चीज़ें आप करते हो जिससे आपका घर क्या होता है, साफ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन होता है. तो यहाँ पे आप जो भी करते हो घर को साफ सुथरा रखने के लिए, आपको वो पांच चीज़ें लिख देनी है. तो पहला आप क्या लिखोगे, स्वीप द फ्लोर. ओके, वॉश द कर्टन्स, डस द लिविंग रूम, एड एन एयर फ्रेशनर, डेकोरेट यूजिंग फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, शॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस. तो दो स्टोरीज को यहाँ पे मिक्स किया गया है, जिसे आपको क्या करना है, अलग अलग करके बॉक्सेस में लिखने हैं. फर्स्ट वन देखिए, वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, हमें लगा कि लॉयन ने, शेर ने किसी को खा लिया है. नेक्स्ट, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप. तो अचानक से काइट ने क्या किया, पतंग ने क्या किया, उसे उठा लिया जमीन से और उसे पेड़ के एकदम टॉप पे रख दिया. एंड ही सॉ अ शू इन द लॉयन केज, उसने शेर के गुफा में शू देखा, जूता देखा. फाइनली द काइट ब्रॉक्ड हिम बैक टू द पार्क, अंततः जो पतंग ने वापस उसे पार्क में ला के रख दिया. नेक्स्ट, अवर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारे जो क्लास है वो चिड़ियाघर गई हुई थी. ओके, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, पूरन नई पतंग पार्क में उड़ा रहा था. सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ बच्चे क्या थे, खड़े थे और चिल्ला रहे थे, और कुछ दौड़ करके डायरेक्टर के पास चले गए थे. पूरन वॉज फ्राइटेड एंड एक्साइटेड, पूरन क्या था, डर गया था और एक्साइटेड भी था. लास्ट, द लॉयन हैड नॉट ईटन एनी वन बिकॉज ऑफ द शू वॉज वन ऑफ द लॉयन्स टॉय. तो लॉयन ने किसी को खाया नहीं था, क्योंकि वो जो शू था वो शेर का खिलौना था. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको द मैजिक काइट एक स्टोरी है, हु डिड द लॉयन ईट ये दूसरी स्टोरी है. तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया गया है, आपको उसमें पहचान करके लिखना है कि कौन कौन सी किसकी स्टोरी है, और आपको इस प्रॉपर बॉक्स में आपको लिख देना है. तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दे रही हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए. ओके, फर्स्ट मैजिक काइट में देखिए आप स्टोरी कैसे लिखेंगे. फर्स्ट वन जो आपका होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. ओके, सेकेंड पॉइंट होगा आपका, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स. एंड थर्ड, पूरन वॉज फ्राइटेन एंड एक्साइटेड, आपका ये पहला स्टोरी जो कम्प्लीट हो गया, द मैजिक काइट. सेकेंड वाली स्टोरी आप देखिए, हु डिड द लॉयन ईट, इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, अवर क्लास हैड गॉन टू द जू. ओके, फर्स्ट वन हो गया. सेकंड देखिए, ही सॉ अ शू इन द लॉयंस केज,
थर्ड वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन. फोर्थ सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू. ओके.